चलिए बोन्स के बारे में पढ़ते हैं। सो बोन्स किस तरीके के स्पेशलाइज्ड टिश्यूज है, कनेक्टिव टिश्यूज है। ये इस तरीके के टिश्यूज है जिसमें कि आप देखोगे बहुत ही ज्यादा हार्ड है, नॉन प्लायबल होते हैं, इनके जो मैट्रिक्स होते हैं इट इज क्वाइट सॉलिड। और जब भी हम बोन्स के स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे और फंक्शन के बारे में बात करेंगे तो आप देखोगे दे हैव सर्टेन स्पेशलाइज्ड सेल्स व्हिच आर कॉल्ड ऑस्टियोसाइट्स, ठीक है। और ये जो बोन का स्ट्रक्चर होता है कुछ इस तरीके से होगा कि हम इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। आपने इस तरीके से बोन का स्ट्रक्चर देखा होगा, यहाँ पर दिस इज द हेड रीजन, दिस इज ऑल्सो द हेड रीजन, ठीक है। और ये बीच में ये नैरो सा जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है शाफ्ट बोन, राइट। तो जो बोन्स है हमारी पूरी बॉडी का जो वेट होता है, जो लोअर लिम्स है वो कैरी करती हैं, साथ साथ स्ट्रक्चर सपोर्ट प्रोवाइड करवाती है हमारी पूरी बॉडी को, पूरा जो स्केलेटल सिस्टम है वही इन बोन्स से कंपोज होगा, राइट। यहाँ पर आप देखोगे जो इसका हेड रीजन है इसको एपिफाइसिस कहा जाता है, एपिफाइसिस, एंड दिस नैरो शाफ्ट इज कॉल्ड डायफाइसिस, डायफाइसिस। सो व्हाट इज द कंपोजिशन एंड व्हाट आर द सेल्स व्हिच आर प्रेजेंट इन द बोन्स, मैंने आपको भी बताया ऑस्टियोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं, ऑस्टियोसाइट्स, राइट। साथ ही साथ आप देखोगे कि यहाँ पर सेंटर में ये जो पूरा रीजन होता है द मिड रीजन, ठीक है, इसको येलो येलो बोन मैरो कहा जाता है, येलो बोन मैरो। अब येलो क्यों कहा जाता है, बिकॉज दिस इज द रीजन वेयर फैट इज स्टोर्ड, क्योंकि यहाँ पर काफी अमाउंट में फैट प्रेजेंट होता है विच गिव्स इट येलो कलर, इसीलिए इसको हम येलो बोन मैरो कहते हैं। एंड दिस हेड रीजन इज समवॉट रेड, इसलिए इसको रेड बोन मैरो कहा जाता है। अब ये जो रेड बोन मैरो यहाँ पर प्रेजेंट है इसके पास रिथ्रोपोइटिक सेल्स होते हैं, जैसे रिथ्रोसाइट्स पढ़ा था हमने आरबीसी, तो रिथ्रोपोइटिक सेल्स का मतलब क्या है, ऐसे सेल्स जो कि आरबीसी की फॉर्मेशन में हेल्प करेंगे, ठीक है भाई। तो रिथ्रोपोइटिक सेल्स आर प्रेजेंट विच गिव्स रेड बोन मैरो द कलर रेड, राइट। अब जब भी आप इसको अच्छे तरीके से यानी कि इंटरनली इसकी एनाटॉमी को स्टडी करने की कोशिश करोगे सो यू विल ऑब्जर्व सर्टेन इलोंगेटेड स्ट्रक्चर्स इन बिटवीन, ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स आपको इसके अंदर नजर आएंगे, है ना। जब इसका ट्रांसवर्स सेक्शन होता है, जब हम इसको ऐसे करके कट करेंगे तो यू विल ऑब्जर्व सच अ स्ट्रक्चर, यहाँ पर हम बना देते हैं इस तरीके से, ठीक है। ये आउटर लेयर होगी, ये इनर लेयर होगी, जिसको पेरिस्टोमियम और इसको एंडोस्टोमियम कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पर कुछ ऐसे गोल गोल स्ट्रक्चर्स आपको नजर आ रहे हैं, ये बेसिकली ये जो पूरी की पूरी बोन थी हमारे पास, मान लीजिए ये पूरी की पूरी एक हड्डी है, बोन, इसमें ये जो लंबे लंबे स्ट्रक्चर्स आपको दिख रहे हैं ना, दीज इलोंगेटेड स्ट्रक्चर्स, ये क्या है, इन इलोंगेटेड स्ट्रक्चर्स को, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स को हेवर्सियन कैनाल कहा जाता है, दीज इलोंगेटेड स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड हेवर्सियल कैनाल। अब इस पूरी बोन को मैं ऐसे कट कर रही हूं तो आपको ये स्फेरिकल गोल गोल से स्ट्रक्चर्स ऊपर से नजर आएंगे, राइट। सो दीज आर दी हेवर्सियल हेवर्सियन कैनाल, तो मैं इसको लेबल कर देती हूं हेवर्सियन कैनाल। सो बेसिकली ये कैनाल किस चीज का फंक्शन करते हैं, है ना, और इनके सराउंडिंग में क्या प्रेजेंट होता है। सो यू विल ऑब्जर्व दैट दीज हेवर्सियन कैनाल्स आर सराउंडेड बाय अ लार्ज नंबर ऑफ ब्लड वेसल्स जो कि बोन्स को न्यूट्रिशन, बोन्स के सेल्स को न्यूट्रिशन देने के लिए जरूरी होते हैं। एंड ये जो हेवर्सियल कैनाल है, दीज ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स ये एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं विद अनदर कैनाल विच इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं उसको, वॉकमैन्स कैनाल, वॉकमैन्स कैनाल। तो ये जो कैनाल है ये फैसिलिटेट करेगा द सप्लाई ऑफ ब्लड, एंड ये जो ब्लड की सप्लाई है वो इंश्योर करता है कि हमारे पूरी बॉडी के अलग अलग पार्ट्स तक या फिर बोन्स के सेल्स तक जो न्यूट्रिशन है, जो नरिशमेंट है वो आसानी से पहुंच सके। तो ये हमने बोन का स्ट्रक्चर अभी देखा था जिसमें कि इसके दो पार्ट्स है, हेड एंड द नैरो शाफ्ट, दिस हेड इज द एपिफाइसिस, दिस नैरो शाफ्ट इज द डायफाइसिस। यहाँ पर येलो बोन मैरो है विच इज येलो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फैट स्टोर्ड इन इट, यहाँ पर रेड बोन मैरो है दैट मींस यहाँ पर रिथ्रोपोटिक सेल्स होते हैं जो कि आरबीसी की फॉर्मेशन करने के लिए फंक्शन करेंगे। जब हम इसका ट्रांसवर्स सेक्शन ऑब्जर्व करते हैं सो वी विल ऑब्जर्व द आउटर लेयर पेरिस्टोमियम एंड द इनर लेयर विच इज एंडोस्टोमियम, साथ ही साथ आपको ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स नजर आ रहे हैं विच आर हेवर्सियन कैनाल, दीज हेवर्सियन कैनाल आर द ट्यूबुलर पार्ट विच आर प्रेजेंट इन द बोन्स, एंड दिस अलोंग विद द वॉक्समैन कैनाल फैसिलिटेट्स द ब्लड सप्लाई, ठीक है। तो जो सेल्स जिसकी हम यहाँ पर बात कर रहे हैं वो
ऑस्टियोसाइट्स है, बट क्या हमारी बोन्स में सिर्फ और सिर्फ ऑस्टियोसाइट्स ही प्रेजेंट है? नो, देयर विल बी सम अदर सेल्स आल्सो। तो यहाँ पर वो कौन कौन से सेल्स हो सकते हैं ऑस्टियोसाइट्स के अलावा? दिस कुड बी ऑस्टियोब्लास्ट और ऑस्टियोक्लास्ट। सो दीज सेल्स आर ऑल्सो प्रेजेंट। तो होता क्या है, ऑस्टियोजेनेटिक सेल्स होते हैं हमारी बोन्स के अंदर, विच आर ऑल्सो कॉल्ड द मदर सेल्स, क्योंकि वही ऐसे सेल्स हैं जो कि प्रोड्यूस करते हैं ऑस्टियोब्लास्ट को। एंड दीज ऑस्टियोब्लास्ट व्हेन दे प्रोड्यूस द हार्डेस्ट कवरिंग ऑफ द बोन, दे गेट कन्वर्टेड इनटू दीज ऑस्टियोसाइट्स। और ये ऑस्टियोसाइट्स हेल्प करते हैं बोन्स के प्रॉपर कंपोजिशन में। एंड अलोंग विद द ऑस्टियोसाइट्स दीज ऑस्टियोक्लास्ट आर ऑल्सो प्रेजेंट। और ये ऑस्टियोक्लास्ट क्या करते हैं, दीज आर प्रोटेक्टिव इन नेचर, वो प्रोटेक्शन का फंक्शन करेंगे। तो यहाँ पर इन तीनों सेल्स के नाम आपको याद करने हैं, ऑस्टियोसाइट्स, ऑस्टियोब्लास्ट एंड ऑस्टियोक्लास्ट। तो जो ऑस्टियोब्लास्ट है, ऑस्टियोब्लास्ट दीज सेल्स ऑस्टियोब्लास्ट आर प्रोड्यूस्ड बाय द, किससे प्रोड्यूस होते हैं वो, ऑस्टियोजेनेटिक सेल, ऑस्टियोजेनेटिक सेल्स, ठीक है। तो ये ऑस्टियोजेनेटिक सेल्स क्या है, एक तरीके से मदर सेल्स है जो कि प्रोड्यूस कर रहे हैं ऑस्टियोब्लास्ट को। ये जब हार्डेस्ट लेयर को प्रोड्यूस कर देते हैं, गेट कन्वर्टेड इनटू द ऑस्टियोसाइट्स, एंड दीज ऑस्टियोसाइट्स मेक द मेजर कंपोजिशन ऑफ द बोन्स। इसके अलावा भी अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो इन सेल्स के अलावा क्या होता है कि जो बोन है, क्योंकि वो बहुत रिजिड स्ट्रक्चर है, वो नॉन प्लायबल है, काफी हार्ड है, और साथ ही साथ पूरी बॉडी को प्रोटेक्शन देने का काम करेगी, बॉडी के वजन को कैरी करने का काम करेगी, है ना। तो आप यहाँ पर ऑब्जर्व करोगे, दी सेल्स आर ऑल्सो अरेंज इन सच अ मैनर, लाइक इस तरीके से स्टार शेप अरेंजमेंट होती है ऑस्टियोसाइट्स की, और ये एक ऑस्टियोसाइट दूसरे ऑस्टियोसाइट से कनेक्टेड होता है। किस चीज से, इनके बीच में जो कैविटी है, दिस इज कॉल्ड द लैक्यूने, दिस इज द लैक्यूने, राइट। एंड दीज आर द ऑस्टियोसाइट्स, दीज आर द ऑस्टियोसाइट्स। और जब आप हेबर्सल कैनाल को ऑब्जर्व करोगे, सो यू विल ऑब्जर्व दीज स्ट्रक्चर्स किस तरीके से, इन द कंसेंट्रिक सर्कल फॉर्म, इन द फॉर्म ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल। और यहाँ पर ये सारे के सारे ऑस्टियोसाइट्स इस तरीके से अरेंज होंगे, दीज आर दी ऑस्टियोसाइट्स, और उनके बीच में क्या प्रेजेंट है, लैक्यूने, ठीक है। अब जब इनके बॉडी कंपोजिशन की बात करते हैं, सो फॉर दी स्पेसिफिक कंपोजिशन ऑफ बोन्स देयर आर सर्टेन स्पेशलाइज्ड सेल्स दैट प्रोड्यूस कैल्शियम फॉस्फेट एंड कैल्शियम कार्बोनेट। तो कौन कौन से दो सॉल्ट होते हैं बोन्स के अंदर जो कि कंपोजिशन में या फिर बोन्स की फॉर्मेशन में मदद करेंगे, है ना। तो देखिए यहाँ पर दो तरीके के सॉल्ट्स के बारे में हम बात करेंगे, एक होता है कैल्शियम फॉस्फेट, वन इज कैल्शियम फॉस्फेट एंड द सेकेंड इज कैल्शियम कार्बोनेट। सो दीज टू आर द सॉल्ट्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ बोन्स, ठीक है। तो आपको क्या याद रखना है, हेबर्सन कैनाल, वॉक्स वन कैनाल, देन ऑस्टियोसाइट्स अलोंग विद द कंपोजिशन कैल्शियम फॉस्फेट एंड कैल्शियम कार्बोनेट, and these are the lacunae which connects the these star shaped structures or the star shaped specialized cells which are the osteocytes. तो इन्हीं की secretion होती है जो कि ये bone marrow में specialized stem cells present होते हैं, वो produce करते हैं इन सभी को और help करेंगे हमारी पूरी body को एक support provide करवाने के लिए। तो ये bones हमने cover किए हैं।